हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग फाइनल कीवर्ड के बारे में जानेंगे। फाइनल कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। किन किन चीज़ों के लिए हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले मेकिंग कॉन्स्टेंट्स। अगर आप कॉन्स्टेंट्स बनाना चाहते हैं तब फाइनल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेथड है वो ओवरराइड ना हो तो आप फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास इनहेरिट ना हो तो आप फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? कॉन्स्टेंट बनाने के लिए, फिर ओवरराइड से बचाने के लिए, फिर इनहेरिट से बचाने के लिए अपनी क्लास को, ये हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। फाइनल वेरिएबल को अगर आप कॉन्स्टेंट बनाना, मतलब किसी भी वेरिएबल को अगर आप कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं तो फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यह मैंने डेफिनेशन में लिखा, द फाइनल कीवर्ड इज अ वे ऑफ मेकिंग अ वेरिएबल एज रीड ओनली। इट्स वैल्यू इज सेट वंस एंड देन कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी कि आप फाइनल कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड हो जाता है। अब आप उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने उसका वैल्यू दे दिया है 100, तो वो 100 ही रहेगा। उसको अब बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? इसलिए हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग फाइनल वेरिएबल पढ़ रहे हैं, और वेरिएबल हम लोग जानते हैं कि तीन तरह का वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो इन तीनों वेरिएबल्स में फाइनल कीवर्ड का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और किस किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले फाइनल वेरिएबल किस तरीके से हम लोग लिखते हैं ये देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में फाइनल कीवर्ड आप लिखते हैं, देन आप डेटा टाइप लिखेंगे, देन आप अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसको आप इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, फाइनल कीवर्ड आपको लिखना है, देन उसके बाद आपका डेटा टाइप होगा। आपका कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, और इक्वल देकर आप उसको उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। या हमने इस रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 101, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 101 रोल के लिए फिक्स हो गया है। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये रीड ओनली हो गया। इसको आप यूज़ कर सकते अपने प्रोग्राम में। आप अपने प्रोग्राम में रोल को एज अ वेरिएबल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है? नाउ फाइनल विथ इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जाना है तो आप जानना है तो आप मेरा इंस्टेंस वेरिएबल का वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? सो फाइनल विथ इंस्टेंस वेरिएबल, आप इंस्टेंस वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं तो आप उसको इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। फाइनल कीवर्ड आपने लिखा, इंट लिखा आपने, रोल लिखा आपने, अपना वेरिएबल नेम इक्वल देकर 101 आपने इसका वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये अपने इंस्टेंस वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज कर दिया, आपका ये काम खत्म। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हैं फाइनल इंट रोल, इस तरीके से आपने वेरिएबल लिखा, डिक्लेयर किया, और इसको सोच रहे हैं कि आप इसको बाद में मैं इनिशियलाइज करूँगा, तो वह कैसे करते हैं? देखिए, हमने कमेंट में लिखा, वी कैन इनिशियलाइज दिस यूजिंग कंस्ट्रक्टर, वी कैन नॉट इनिशियलाइज दिस यूजिंग ऑब्जेक्ट और मेथड। यानी कि अगर आपने इस तरीके से लिखा हुआ है, इंस्टेंस वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, आपने इंस्टेंस वेरिएबल में इस तरीके से फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया, आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो फिर ठीक है, आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, आपका काम खत्म। लेकिन अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, इसको आप अगर बाद में इनिशियलाइज करते हैं इस तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल को फाइनल कीवर्ड के साथ, तो आप उसको सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, मेथड के थ्रू उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर। या तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कीजिए, या फिर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ कीजिए, लेकिन आप उसको कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ही उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्लास गिक आपने लिखा हुआ है, या फिर क्लास है, और फाइनल इंट रोल आपने लिखा। अब आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया हुआ है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके अंदर मैंने रोल को रोल इक्वल 101 इस तरीके से इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। और पहला जो हमारा पॉइंट है फाइनल का, कि फाइनल को आप एक बार इनिशियलाइज कर सकते हैं तो कर देते हैं, तो उसका वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ भी वो चीज़ लागू होता, आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया रोल 101, अब ये चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू यही रहेगा, रोल का वैल्यू अब यही रहेगा, इससे इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ओके? ये था फाइनल विथ इंस्टेंस वेरिएबल।
इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे के जो वेरिएबल्स हैं उसके साथ फाइनल कीवर्ड का कैसे यूज़ करना है उसको वन बाय वन दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने एक सिंपल सा मैंने एक क्लास क्रिएट किया हुआ है, क्लास गीक, या आपका क्लास मेन क्लास है, मेन मेथड इसके अंदर है। एक मैंने छोटा सा क्लास क्रिएट किया हुआ जिसमें मैंने सिर्फ एक इंस्टेंस वेरिएबल लिखा हुआ है फाइनल कीवर्ड के साथ। इसको आप चाहें तो यहीं इनिशियलाइज कर दीजिए, रोल 101। यहाँ मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिससे कि मैं ये जो रोल वेरिएबल इसको प्रिंट कर सकूँ यहाँ। सो इसको आपने सिंपली इस तरीके से किया, अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा रोल 101, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है जब आप इसको यहाँ इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल ये लिया हुआ, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, आपने इसको यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया, तो अब आप इसको सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ मैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये मेरा, और मैंने इसको यहाँ इनिशियलाइज किया है रोल 101। इस तरीके से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको 101 रोल इक्वल 101 मिलेगा, ठीक है। एक बार आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो अब आप इसका वैल्यू को, इसके वैल्यू को अब आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जैसे कि मेन मेथड में अगर हम लोग इसको कुछ और वैल्यू दें, जैसे कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अगर आप इसको वैल्यू देना चाहते हैं रोल इक्वल, यहाँ मे बी आप लिखना चाहते हैं 102, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको एक मैसेज मिल रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल रोल। ये तो आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करके रोल को इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते हैं, ये तो पहली बात है। रही बात इसको चेंज करने की, तो आप वह भी नहीं कर सकते। एक बार आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो अब ये चेंज नहीं हो सकता। हाँ, इसका आप यूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ में। किसी और चीज़ में यूज़ करने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम लोग चाहें तो यहाँ हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ एक और इंट मे बी आई थिंक ए, अगर एक वेरिएबल लेते हैं इसको 10 वैल्यू असाइन करते हैं और यहाँ इंट सम इक्वल ए प्लस रोल अगर आप करते हैं तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ओ बी जी डॉट रोल लिखते हैं आप, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, इसको अगर आप प्रिंट करते हैं ए को, सॉरी सम को, तो यहाँ आपने इस रोल को यूज़ किया है तो 101 यानी कि 101 और यहाँ 10 111, तो यहाँ आप रोल को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रोल को आप यूज़ कर सकते हैं, रोल के इस वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये 101 फिक्स है, ये अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि एक्चुअली इसको चेंज किया नहीं जा सकता, जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं रोल ओ बी जे को, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज ही नहीं किया जा सकता। ओ रोल इक्वल, अगर आप ऐसा करते हैं कि ओ बी जे डॉट रोल प्लस 10, तो इस तरीके से आप इसको नहीं कर सकते। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि रोल को एक नया वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि पहले से जो रोल है का वैल्यू हुआ प्लस 10, यानी कि आप रोल के वैल्यू को कुछ और वैल्यू देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आप इंस्टेंस वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं फाइनल कीवर्ड का, तो आपने अगर इसको यहाँ इनिशियलाइज कर दिया देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ, अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है, अगर आपने इसको यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया है, तो आप इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इनिशियलाइज आप कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। और एक बार आपने फाइनल कीवर्ड के साथ जो भी वेरिएबल, उस वेरिएबल को एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया, तो उसका अब वैल्यू अब बाद में चेंज नहीं होगा, वो रीड ओनली हो जाता है। उसको आप रीड कर सकते हैं लेकिन उस पर आप कोई वैल्यू एडिट नहीं कर सकते, कोई वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते, ओके। सो ये है आपका फाइनल कीवर्ड विद इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप स्टैटिक वेरिएबल के साथ इन फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।